अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। गुलामाने मुस्तफा कमेटी के चेयरमैन सरफराज खान ने एक बयान जारी करते हुए ये कहा कि शहर में हर जगह आवारा कुत्तों की बढ़ती हुई आबादी को लेकर हुकूमत और GHMC को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है। एक और मासूम बच्चे पर कुत्तों ने हमला कर दिया और इसे जख्मी कर दिया। इत्तेफाक की बात यह है कि वहां से गुजरने वाले एक शख्स ने इस बच्चे की जान बचा ली। यह वाकया फसलानसर बड़ा बाजार के पास पेश आया है। एक आवारा कुत्ते ने एक मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश की, ये देखा जा सकता है। आए दिन शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आवारा कुत्ते मासूम बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। सरफराज खान गुलामाने मुस्तफा कमेटी के सदर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इन्हीं की जुबानी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामाने मुस्तफा कमेटी का सदर आपके दरमियान में हाजिर हूँ। आज से एक दो या तीन दिन पहले फसलानसर बड़ा बाजार एक मीनार मस्जिद के करीब में एक शख्स अपने छोटे बच्चे को, तकरीबन पांच से छह साल के बच्चे को अपने साथ लेके हाथ पकड़ते हुए बच्चे को फजर की नमाज के लिए जा रहा था। तो आप यकीन मानिए, एक कुत्ता बच्चे के ऊपर हमला कर रहा, बाप के ऊपर हमला करा, पहले बाप गिर गया, उसके बाद वो कुत्ता जो है बच्चे को गल्ला पकड़ रहा, गल्ला पकड़ के थोड़ी मार तक घिसीटते हुए ले लेके गया। उसके बाद हमारी गुलामाने मुस्तफा कमेटी के वहां के जो यानी के सेक्रेटरी है सैयद सिराज, जिनका नाम सैयद सिराज है, उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए वो कुत्ते को पत्थर लेके मारे और कुत्ते को वहां से भगा दिए। आप यकीन मानिए, ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं वो कुत्ते का। अगर जब खुदा ना खास्ता सिराज को अगर अल्लाह ताला नहीं भेज सकते वहां पे, नहीं भेजता अल्लाह, तो खुदा की कसम बोल रहा हूं बच्चे की तो जान चले गई थी, वो मासूम बच्चे की। क्यों बोले तो बाप, पहले बाप और बच्चे के ऊपर अटैक करा कुत्ता, करते ही बच्चा बाप गिर गया, बाप जमीन पे गिर गया, गिर के बेहोशी की हालत में आ गया, गश्त खा गया बाप, बच्चा ठहरा हुआ था बच्चे के ऊपर, मासूम बच्चे के ऊपर कुत्ता अटैक कर दिया, हालांकि गल्ला पकड़ लिया। सडन वहां पे अल्लाह ताला जो है हमारी गुलामानी मुस्तफा कमेटी के एक जो है हरकियाती सेक्रेटरी जिसका नाम सैयद सिराज है, सिराज को वहां पे भेजे, अल्लाह ताला भेज के बच्चे की जान सेव कराए। मैं ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, ऑनरेबल IT मिनिस्टर जो एक काबिल मिनिस्टर है हमारे तेलंगाना के, KTR साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जो कंसर्न मिनिस्टर है हैदराबाद के भी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आखिर ये कुत्तों का आप कर रहे हैं क्या KTR साहब? आप कुत्तों के जान जाना चाहिए। अंबरपेट में एक मासूम बच्चे को जो है कुत्ता काट के फाड़ के चीर के खा गए कुत्ते। उसके बाद दो चार वाक्य और आ गए। अब ये फसलानसर का वाक्य देखे तो दिल दहल जाने वाला वाक्य ही है। आपसे मेरी गुजारिश है मोहतरम KTR साहब से कि फौरी तौर पर ये कुत्तों का, आप इंचार्ज मिनिस्टर है हैदराबाद के, आप जो है ये कुत्तों के ताल्लुक से कुछ सख्ती के साथ एक्शन लीजिए। कुत्तों की गाड़ी को भेज रहे हैं आप पकड़ने की, लेकिन दिन के टाइम पे मिनिस्टर है हैदराबाद के भी, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आखिर ये कुत्तों का आप कर रहे हैं क्या KTR साहब? आप कुत्तों के जान जाना चाहिए। अंबरपेट में एक मासूम बच्चे को जो है कुत्ता काट के फाड़ के चीर के खा गए कुत्ते। उसके बाद दो चार वाक्य और आ गए। अब ये फसलानसर का वाक्य देखे तो दिल दहल जाने वाला वाक्य ही है। आपसे मेरी गुजारिश है मोहतरम KTR साहब से कि फौरी तौर पर ये कुत्तों का, आप इंचार्ज मिनिस्टर है हैदराबाद के, आप जो है ये कुत्तों के ताल्लुक से कुछ सख्ती के साथ एक्शन लीजिए। कुत्तों की गाड़ी को भेज रहे हैं आप पकड़ने की, लेकिन दिन के टाइम पे कुत्ते जो है भाग जा रहे हैं गाड़ियों को देख के। आपसे गुजारिश है कि रात में 2 या 3 बजे के बाद भेजिए, शहर कैसा कुत्तों से भरा हुआ है आप देख सकते हैं। ऑनरेबल मेयर मैडम जो गढ़वाल विजयलक्ष्मी है,
उनसे भी मोहतरमा गढ़वाल विजयलक्ष्मी से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जो है ये मसले को आप सख्ती के साथ लीजिए। आप रात के टाइम गाड़ियों को भिजाइए, रात के टाइम जब गाड़ियों को भिजाएंगे आप स्पेशल अरेंज करिए गाड़ियों को, आप करके रात में गाड़ियों को भिजाइए कुत्ते पकड़ने के। रात में हजारों की तादाद में कुत्ते हैं, हर जगह कुत्ते हैं। आप देखिए फजर की नमाज पढ़ने बाप बेटे को ले लेकर जा रहा, कुत्ता अटैक कर दिया उनके ऊपर। हाँ, मेरी गुजारिश है ऑनरेबल आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब से फिर एक मरतबा कि ये मसले पे सख्ती के साथ एक्शन लीजिए। और गुलामाने मुस्तफा कमेटी सैयद सिराज का शुक्रगुजार है कि एक बच्चे की जान आप बचाए हैं, हम बेहद बेहद शुक्रगुजार हैं। फिर एक मरतबा मैं आईटी मिनिस्टर केटीआर साहब से और गढ़वाल विजय लक्ष्मी मोहतरमा से मैं दर्दमंदाना गुजारिश करता हूं कि रात के टाइम पे आप गाड़ियों को भिजाइए कुत्ते पकड़ने के, भिजा के इन लोगों को जो है बचाइए। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि बहुत जरूरी है कुत्तों को कंट्रोल करने का, आप कुत्तों को कंट्रोल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम आरएस यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए आरएस यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड ऑपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।